नमस्कार। तो ये बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दो डीएसपी, 6 SSO, 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी और 4-4 ड्रोन, उनकी मदद से आज ये देखिए कितना बड़ा जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर निकल रहा है। आप सभी लोगों से अपील की जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दे, और हर वाहन के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है, हर गाड़ी की, हर जगह हर चीज की जाँच की जाएगी। और ये देखिए, और ये देखिए कितनी बड़े स्तर पर आज करनाल पुलिस कार्रवाई करने के लिए निकली। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और देख सकते हैं कि 6 SHO, 2 DSP और 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी आज यहां पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई करने के लिए निकले हैं। और ये देख लीजिए कितना बड़ा जो काफिला है वो यहाँ पर पुलिस जवानों का आता हुआ दिख रहा है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। पर्ची दिखाओ, पर्ची। हाँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे दवाई याद है सारी। पर्ची, पर्ची। सर, मैं सारी दवाई मुझे याद है अपनी। ये मैं सर परमानेंट उन्हीं दवाई लेता हूँ। कोई नहीं, गाड़ी छोड़ दे, जाओ दवाई लिया था। गाड़ी छोड़ जाओ, दवाई ले आओ। गाड़ी इंपाउंड कर ली गई है और लगातार उन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिना किसी कारण के जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पर आज एक बार फिर से देखा जा रहा है कि की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। ये देखिए, ये भी गाड़ियां इंपाउंड होंगी, मामले दर्ज होंगे और बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, ऐसा साफ कर दिया। और ये देखिए, एक और गाड़ी को रोक लिया गया है। और सख्ती बरती जानी बहुत जरूरी है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय करनाल के कुंजपुरा रोड से कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिना किसी कारण के सड़कों पर निकल रहे हैं। लगातार उन लोगों के ऊपर जांच की जा रही है जो लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं। कब की है पर्ची? 26-3 की। यही दर्द है ना? हाँ जी, यहाँ दर्द है। मैं तुम दर्द है, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी खड़ी कर, गाड़ी छोड़ दे, ठीक है। और गाड़ी ये भी इंपाउंड कर ली गई है, हाथ में दर्द है, उसी के लिए दवाई लेने के लिए निकले हैं। 25 मार्च की ये पर्ची है, एक महीना लगभग होने वाला है, लेकिन लोग देख लीजिए कि किस तरह से मजाक बना रहे हैं लॉकडाउन का, और उसी को लेकर ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आज हो रही है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। और देखिए यहाँ पर भी वो देखेंगे, अभी साफ देखेंगे आगे। और ये देखिए, लगातार HDFC बैंक के सामने जो ये कार्रवाई है वो अब की जा रही है। कई वाहनों को अभी तक इंपाउंड कर लिया गया है, कईयों के ऊपर आज मामले भी दर्ज किए जाने हैं। मैं आपको बता दूं कि डिटेंशन वैन जो साथ में चल रही है उसका पर्पज यही है कि बिना किसी कारण के सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। इंपाउंड कर लीजिए गाड़ी को। और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो लोग बहानेबाजी कर सड़कों पर निकलते हैं, डीएसपी वीरेंद्र सिंह सैनी हैं, लगातार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ये चल रही है जो लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट क्या कर रहे हैं यार? किसके पास है भाई गाड़ी की? हरजिंदर जी, और ये देखिए लगातार हरजिंदर जी,
चाबी गाड़ी की सर, मैं झूठ नहीं बोलता सर, मैं आप बैठो गाड़ी में, चलो लेगा गाड़ी तो इनकी गाड़ी लेगा गाड़ी चलेगा सर वो। अच्छा तो ये गाड़ी की तो नहीं आपकी, नहीं ये नहीं सर, मैं ठीक है ठीक है जाओ 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 ठीक है। सर हां जी, हां जी सर, चेक करना है, दवाई ले आया, दवाई लिया यहां से, यहां के बहुत खराब है, दवाई लेके आया मेडिसिन किसी से लाया। इस तो अलावा करे बैंक दी होगी, दवाई दी होगी, करियाने दी भी छूट है, ओदा भी होना कुछ तुहाडे कोल। अभी करूंगा सर, मेरा खाता है ये, दवाई भी लेने गाड़ी इम्पाउंड कर ली गई है। ये भी आप सभी लोगों से अपील की, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को देख लीजिए, समझ लीजिए कि अब छूट आपको किसी तरह की नहीं मिलेगी। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी उन लोगों के ऊपर जो बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं। लगातार इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। और DSP वीरेंद्र सिंह सैनी हैं, अपनी टीम के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, आज फिर से एक बड़ा अभियान है ना, करनाल के लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था, लेकिन कल जो सेकंड लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हुआ है जी, उसके बाद कुछ लोगों ने ज़्यादा ही इसमें ढील दी थी, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फिर दोबारा पुराने मोड पे लाया जाए। कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि जो रिलैक्सेशन है वो आ गया। नहीं, जो भी रिलैक्सेशन है जो सरकार के ऑर्डर हैं वो 20 अप्रैल के बाद आएंगे, अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आने हैं वो तो? हाँ जी, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आता है उसके बाद आएंगे जी। और आपका डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आता है उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। आप इसको इस तरह का अंदाज़ा ना लगाएं कि रिलैक्सेशन मिल गया, रिलैक्सेशन मिलेगा 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तक कोई रिलैक्सेशन फिलहाल नहीं है। और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आज फिर से पुलिस द्वारा की जा रही है उन वाहनों के ऊपर जो लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें। और ये देख लीजिए, ये कार्रवाई यहाँ पर आज बड़ी संख्या में चल रही है। 99% लोग जो घर के अंदर अपना फर्ज निभा रहे हैं उनको देखते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं कि जो बाहर 2% लोग हैं और बीमारी फैलाने का, संक्रमण फैलाने का जिन्होंने कान ठेका उठा रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई है, और उन लोगों के लिए जो घर के अंदर बैठे हैं। अभी इतना ही कहना है, पहले ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी, निवेदन रहेगा एक बार कार्रवाई कर लेते हैं, बता देंगे प्लीज। ये देखिए, ये ड्रोन के साथ यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। सर सामान मंगाया था वहाँ से, भाई एक साथ गाड़ी में रोको, पर्ची दिखाओ। और ये देखिए हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं, पीछे सामान कुछ और रखा हुआ है। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। वो पर्ची उठनी का नहीं, तो आरसी लो। मैं सामान लेने गया था, मैंने इंद्री से सामान मंगाया था घर का, तो ये मोटर है, घर की मोटर ख़राब हो गई थी जिसके कारण हम वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे। लॉकडाउन है सर, वॉशरूम तो घर में जाना पड़ता है सर। लगा रखा अभी उतारा है जी, लगा रखा ये कौन सर, यही था। और ये देखिए, ये वाहन भी यहाँ पर इम्पाउंड किया गया है, जो इस तरह से सड़कों पर निकलाते हैं उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इस वाहन को भी इम्पाउंड कर लिया गया है। और आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर लें। तमाम जो DSP हैं, SHO हैं, 200 से ज़्यादा जो आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी यहां पर, वो देखिए कितना बड़ा काफिला यहां पर करनाल पुलिस का निकलता हुआ। और सवाल यही है कि लोग कब सुधरेंगे, ये सब बड़ी बात है। ये देखिए एक और गाड़ी को यहाँ पर पकड़ लिया है, किस कारण से लोग सड़कों पर आ जाते हैं। कितनी तारीख की है? 10/11/19 की। ये पुरानी दवाइयाँ खत्म हो गई है ना जनाब? ये सर दो बंदों को क्या जरूरत पड़ गई? दो बंदों को जनाब, ऐसा होता है कि इनकी माइंड की दवाई लेनी है एक ना, थोड़ी सी उसमें पढ़ना पुड़ना पड़ता है, साल्ट वगैरह।
मेरे शुगर का पेशेंट जनाब, दवाई तो खानी पड़ती है रोज। कैसे हैं आपके दूसरे पेशेंट? इनकी भी दवाई है, इनको दवाई पढ़ के लेनी पड़ती है, कई बार मिलती नहीं यहाँ पर दवाई। डॉक्टर तो है नहीं, जो मेन है आजकल बैठे हुए कोई भी चले जाओ जनाब। और ये देखिए हर वाहन को यहाँ पर जांचा जा रहा है, और ये देखिए ड्रोन के मदद से पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। और ये देख लीजिए, ये ड्रोन चल रहा है, साथ साथ चार ड्रोन यहाँ पर लेकर निकल रहे हैं करनाल पुलिस, और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये बिल है उनका जहाँ से दवाई लेके आया हूँ मैं। दवाई तो नहीं लंबा चौड़ा है, ये पहला बिल है ना सर, जो अभी लेके आया हूँ मैं। ये सर आपकी बात करा देता हूँ, बंद करा ले गाड़ी। ये भी इम्पाउंड कर ली गई है, नकली असली जो बिल दिखा देते हैं। और ये देख लीजिए कितना बड़ा जो काफिला है वो यहाँ पर चल रहा है, लगातार उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज किसी तरह के मूड में करनाल पुलिस नहीं दिख रही कि किसी को बख्शा जाए, और लगातार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कौन से बैंक है? HDFC। चेकबुक मेरे पास ये रहा। कहाँ रहते? कहाँ हो? मालवा लाऊं। ये रहा चेक, में काट के लाया अपने नाम से, मेरा ही है। 25,000 नहीं चुकाने हैं। हेलमेट कहाँ आपका? हेलमेट भी नहीं है। हेलमेट रहा है। और गाड़ी का नंबर प्लेट दूसरी है इसकी। ये भी नंबर प्लेट है। और ये देख लीजिए, ये डिटेंशन वैन है आवारा गर्दों को पकड़ने के लिए, और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये वाहन सच यहाँ पर रखे जाएंगे, जो लोग इस तरह से गाड़ियों पर निकल जाते हैं उनके वाहन आज यहाँ पर डिटेन ले जिए, वो ये वाहन अब रखवाया जाएगा। इसके अंदर सख्त कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है, और दो दो ड्रोन यहां पर साथ में चल रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील की, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर साथ के साथ दोस्तों जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है। और ये देखिए, ये बाइक अब रखवा दी जाएगी ऊपर, ये लीजिए, ये कार्रवाई आज यहाँ पर की जानी थी। इसीलिए DSP साहब ने ये बात बोली थी कि जो कार्रवाई करेंगे आपको दिखा देंगे, और सख्ती के साथ करनाल में पालन करवाते हुए आज लॉकडाउन का करनाल पुलिस दिख रही है। जो लोग मजाक में ले रहे थे बातों को, उन लोगों के ऊपर आज बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है, और पहला वाहन गाड़ी के अंदर रखवा दिए, कई वाहन भिजवा चुकी है पुलिस। मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि लोगों ने जैसे पहले 21 दिन से लॉकडाउन का पालन किया है, उसी तरह लॉकडाउन का पालन करें। जितना हमने अच्छा लॉकडाउन का पालन किया उतने हमारे पास केसेस कम आए हैं, और अगर 20 तक सिचुएशन ठीक रही तो काफ़ी ज़्यादा रियायतें हमें मिलने की उम्मीद है। तो लोगों से कोशिश करूंगा सिर्फ 6-7 दिन और मेंटेन करें, फिर आपको सारी लिबर्टी मिल जाएगी। कल सर SP साहब ने बोला था कि हम वाहन इम्पाउंड नहीं करना चाहते, लोग मजबूर ना करें, फिर भी लोग सड़कों पर। देखिए जी, हमने तो अपील की थी, क्योंकि पहले हम इतनी गाड़ियाँ इम्पाउंड कर चुके हैं कि हमारे पास स्पेस अंदर, और हमने DC सर से रिक्वेस्ट करके जो ऑडिटोरियम है उसका जो खुला एरिया है वो लिया है, लेकिन आप भी देख रहे हैं, मीडिया के अन्य बंधु भी देख रहे हैं, और सभी चीज़ों से आपको भी पता लग रहा है कितने ज़्यादा लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें मजबूरी में इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए गाड़ियाँ इम्पाउंड करनी पड़ रही है। मजबूरी में जो कार्रवाई है वो करनी पड़ रही है, पुलिस करना नहीं चाहती लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं, ऐसा करनाल पुलिस यहाँ पर कहती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो इस तरह की जो कार्रवाई है कर रही है, लेकिन लोग उसे मानने को समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज वाहनों को इम्पाउंड यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्रिस्क्रिप्शन पूछ रहा हूँ मैं, बंद करिए गाड़ी, दे दो, उतरो, पैदल लेकर। गाड़ी ये भी इम्पाउंड कर ली गई है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर। आप सभी लोग, ये भी गाड़ी अब ट्रक पे जाएगी, डिटेन कर लिया इस गाड़ी को भी। और ये देखिए किस तरह से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आज की जा रही है उन लोगों के ऊपर, जो लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं। DSP राजीव कुमार हैं, DSP वीरेंद्र सिंह सैनी हैं, तमाम जो SHOs हैं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं, लगातार लोगों से पहले भी आह्वान करते रहे हैं कि आप इस तरह मत कीजिए, सड़कों पर मत निकलिए, लेकिन लोग रुकने के लिए यहाँ पर जब तैयार नहीं होते उसके बाद इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाती है। आप सभी लोगों से अपील की, जो भी लोग
इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और ये देखिए बड़ा यहाँ पर जो काफिला है करनाल पुलिस का विद ड्रोन चल रहा है, साथ में वीडियोग्राफी करवाई जा रही है पूरे मामले की। ये लीजिए ब्रेजा गाड़ी को रोक लिया है, आप कहाँ से हैं और ये कौन है, कहाँ किस क्या क्या एलिमेंट है? 2020 का है, जनवरी का नहीं, बड़ी कार्रवाई को एक अप्रैल का है। आप किस लिए दवाई लेने आया था जी? दवाई लेने आया था। फादर साहब कहाँ हैं? फादर साहब एडमिट है, दवाई तो वहीं मिलेगी, आप थाना पर यहाँ पर मिलेगी दवाई नहीं है। नहीं हॉस्पिटल में ज्ञान भूषण कहाँ है? हॉस्पिटल में जब तेरे हस्बैंड सॉरी फादर वहाँ एडमिटेड हैं, दवाई लेके कहाँ जा रहे तू? दवाई यहाँ लेके घर किस लिए जा रहा है? तो हॉस्पिटल से मिल जाती है। ऐसा है भाई, एक्सक्यूज वो बनाइए जो लेम। फ्री नहीं घूम रहा सर। फ्री फ्री का क्या मतलब है तू? तो फादर वहाँ है तो दवाई उधर ऑपरेशन डायरेक्शन में। चलिए सख्त कार्रवाई यहाँ पर करने के आज मूड में। मैं आपको बता दूँ कि लगातार कार्रवाई के लिए कहा जा रहा था, लेकिन लोग शुरुआत में बहुत अच्छा समर्थन था, लेकिन कल जिस तरह से लोगों ने उल्लंघना की है उसके बाद आज यहाँ पर बड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है और लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आगे जाने जरूर दिया जाता है। सख्ती बरती हुई किस तरह से सभी की गाड़ियों की और ये देख लीजिए, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी वाहन को बख्शा नहीं जा रहा, सभी की जो जांच है वो की जा रही है। भारी जा रहा मैं, नहीं मिल रही यार, तो तू तो समझदार है, ऐसे सुनो हैं ये हम ना जलील करना पड़ेगा खाम खाई। मैसेज फोन पे आ जाता है, फिर इधर निकल जा, पेंशन लेने जा रहे हो? अच्छा अच्छा, एंट्री करवाने के लिए क्यों घूम रहे हो आप? चलो ये वो गैर जबकि जिस साहब ने कह दिया है कि पेंशन लेने के लिए खाते में आएगी। ये देखिए अगर तेरा होगा तो तेरा कोई दिक्कत नहीं डालना, दिक्कत नहीं करी गाड़ी जा रहे हो। और ये देख लीजिए ड्रोन भी यहाँ पर चल रहा है, यानी कि पूरी तरह से जो मुस्तैदी है करनाल पुलिस हाईटेक तरीके से इस कार्रवाई को कर रही है और अपने आप में ये सख्त कार्रवाई यहाँ पर। और एक तरफ से बताया भी जा रहा है कि अगर आप नियम कायदे कानून की उल्लंघना करेंगे तो वाहन ना केवल इम्पाउंड किए जाएंगे बल्कि सख्त कार्रवाई आप पर की जाएगी। और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आज करनाल पुलिस की, कई वाहनों को मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इम्पाउंड किया जा चुका है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। आठ फरवरी की है, सर देहरादून दिखाया हुआ है मरीज को, हम जा नहीं सकते लॉकडाउन में, तो यहाँ कहाँ ये देख लीजिए ट्रिपल राइडिंग थी, ये देख लीजिए ट्रिपल राइडिंग। अच्छा पेशेंट है, पेशेंट है, ये देख लीजिए पेशेंट है, इसलिए पेशेंट को जाने दिया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। बड़ी कार्रवाई यहां पर आज पुलिस की चल रही है। और ये देख लीजिए, हाँ जी हाँ जी, ये लगा हुआ पीछे लगा हुआ। आज ये आ जाइए, आपको दिखाते हैं ड्रोन की, ये देख लीजिए ड्रोन यहाँ पर चल रहा है और थोड़ा छांव में चलते हैं, आ जाइए। ये देख लीजिए जो लाइव इस समय तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, और ये देख लीजिए ये ड्रोन से इस तरह से नज़र रखी जा रही है, पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है, हर वाहन को जांचा जा रहा है
किसी तरह की कोई छूट, किसी तरह का कोई रहम आज उन लोगों पर नहीं है जो लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं, और लगातार उन वाहनों की जांच की जा रही है। विशाल मेगा मार्ट पहुंच गई है टीम, दरवाजा खुला हुआ है इसलिए। ये देख लीजिए विशाल मेगा मार्ट की ये तस्वीरें। विशाल मेगा मार्ट का शटर खुला हुआ है इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी अलाउड है, इसे बंद कर लीजिए। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर कर लें। और ये देख लीजिए बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पर। SHO है हरजिंदर सिंह, उनसे बात करते हैं। सर क्या बड़ी सख्त कार्रवाई के मूड में आज तो पुलिस? देखिए बिल्कुल लोग इसको बड़ा इजी लेने लगे कल से और परसों से, दो दिन से देखा आज और कल में काफ़ी मूवमेंट जो बढ़ गया, जिसे देखते हुए आज प्रशासन ने फिर दोबारा से डिसीजन लिया कि जैसे पहले सख्ताई थी वैसे ही करके जितनी भी गाड़ियां मिलेगी सब गाड़ियों को इंपाउंड किया जाएगा, पर जो भी ऐसे बिना उसके मिला उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसको हिरासत में लिया जाएगा। SP साहब के आदेश है सर? बिल्कुल साहब के आदेश है। पहले जैसे बहुत पीसफुल और बड़ा अच्छा चल रहा था, लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा था, जो कि दो दिनों से लोगों ने एकदम इस चीज़ को बड़ी नेग्लिजेंसी दिखा रहे हैं, जिसे देखते हुए बहुत लाइट ले गए, जिसे लेकर ये डिसीजन लिया गया भाई पहले की तरह सख्त करके सबको इंपॉर्म किया जाएगा, सभी को दिया जाएगा। देख लीजिए ये वाहन अब लगवा लिया गया है साइड पे, साइड पे ये गाड़ी भी इंपाउंड करने के लिए कहा गया है, जबकि मैं आपको बता दूं कि लगातार इस बात के लिए कहा जा रहा था कि जो भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं वो सड़कों पर नहीं आएंगे, लेकिन जब लोग मानते नहीं हैं तो इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस को मजबूर होना पड़ता है। तो आपकी गाड़ी इंपाउंड हो सकती है, आज 12 तारीख है, 16 का आज होएगा जी, अल्ट्रासाउंड एकदम कोई नहीं कुछ नहीं एकदम पे आना क्या अल्ट्रासाउंड कराना है, किसका अपना कराना है ना जाने क्या दिक्कत और परेशानी है जो लोग मानते और समझते नहीं है। डिग्गी चेक की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर लें। माता जी चार बंदों को दवाई ले जाने की जरूरत क्या पड़ गई, दवाई इतनी भारी थोड़ी है, अलग अलग से दिखाना था ना सबने, अलग अलग एलर्जी हो गई है, देखो बच्चा भी बैठा है, बच्चा सभी को एलर्जी है देख लीजिए, यानी कि पुलिस अगर छूट देती है तो फिर वो छूट का फायदा इस तरह से उठाया जाता है कि पूरा परिवार सड़कों पर आ जाता है, और इसी को लेकर ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। भारत सरकार सरकारी गाड़ी है क्या, किसकी आरसी देखो, सरकारी गाड़ी है क्या, आरसी दिखाओ, आरसी दिखाओ, सरकारी गाड़ी बैंक से है सर, सरकारी गाड़ी है, आरसी दिखाना, हां जी आरसी दिखाओ, आरसी दिखाओ, चलो सर मेरा वो ड्राइवर हूं, आरसी दिखाओ, आरसी दिखा गाड़ी की, भारत सरकार लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार कैसे लिखे है, जबकि जो बैंक्स हैं वो भारत सरकार के अंडर नहीं आते, जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते, लेकिन गाड़ियों पर भारत सरकार लिखवाया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है ना, हाँ जी, तो भारत सरकार की गाड़ी है क्या, इंपोर्ट कर ले इसको, नहीं सर ये ना सरकार की है, छोड़ दे सरकार के साथ चलेगी, आयो भारत सरकार क्यों लिखी है, देख लीजिए भारत सरकार लिखवाया हुआ है गाड़ी में, एक किस्म से छूट लेने की कोशिश की जा रही है। ये देख लीजिए भारत सरकार लिखवाया हुआ है गाड़ी पर, इसलिए इस गाड़ी को इंपाउंड करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ये तो सीधे सीधे आदेश हाई कोर्ट के हैं कि आप अपने वाहन पर इस तरह की जो जो चीजें हैं वो नहीं लिखवा सकते। लो जी गाड़ी थाने में लेके चल, भारत सरकार लिखवाया हुआ गाड़ी के ऊपर, सर भारत सरकार लिखवाया हुआ लिखवा सकते हैं इस तरह, बैंक्स तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हो सकता है, बैंक ने ये रेंट पे या जो कैसे है ना फेयर के ऊपर ले रखी होगी, अगर इसके ऊपर लिखवाने की परमिशन हुई तो ठीक है, नहीं तो जो भी इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। SHO संजीव गौड़ है, SHO सिविल लाइन्स, अगर वो कहते हैं कि अगर
पूरे एक दस्तावेज दिखा देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो गाड़ी इंपाउंड कर ली गई है। आप सभी लोगों से अपील की, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है उन लोगों के ऊपर जो लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलाते हैं। और ये देख लीजिए, ड्रोन भी साथ साथ चल रहा है। यहाँ पर एजेंसी लिखी हुई सामने, ये देख लीजिए, दो ड्रोन यहाँ पर चल रहे हैं। और ये ड्रोन की गतिविधियाँ जरूर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर चल रही है। थोड़ी लाइट करोगे, ये देख लीजिए, ये ड्रोन पर पूरी की पूरी सीधी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। धन्यवाद। तो ड्रोन पायलट हैं ये, लगातार पुलिस का सहयोग करते हैं। चार ड्रोन करनाल पुलिस ने ले लिया। और ये देख लीजिए कि कितना बड़ा जो काफिला है यहाँ पर निकलता हुआ। और अब बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि की जाएगी। आप सभी लोगों से अपील की, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और जिस तरह से आज की कार्रवाई की गई, क्या अजमेर जी, बढ़िया। और आप सभी लोगों से अपील की, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। काफी बड़ी गाड़ियों का जो ये देख लीजिए अपने फोन पर, अपने कैमरे पर, कि किस तरह से इतना बड़ा काफिला आज यहाँ पर चल रहा है। और फिलहाल ये कार्रवाई यहाँ पर रोक दी गई है। सड़कें साफ हो चुकी हैं, कोई आलतू फालतू आदमी सड़क पर नहीं है। आप सभी से लोगों से अपील की, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो लोग सड़कों पर निकलाते हैं। और कई वाहनों को मैं आपको और लगातार ये सख्त कार्रवाई बताया गया है कि जारी रहेगी। आप सभी लोगों से अपील की, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ शेयर जरूर करते। धन्यवाद।